ऑल राइट गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू दफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आरा ट्वेंटी फोर सेवन मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और इसके पहले मैं एस बी आई पी ओ के लिए शाम को आठ बजे पढ़ा रही होती थी एंड अब वंस अगेन आई एम बैक विद ऑल ऑफ़ यू अभी जब सेशन शुरू हुआ उसके जस्ट पहले मैं कॉमेंट सेक्शन चेकआउट कर रही होती हूँ और कॉमेंट सेक्शन में मैं देख रही होती हूँ कि काफ़ी अजीब कॉमेंट्स आ रहे होते हैं तो मेरी शक्ल वैसी बनी हुई थी वेल लेट्स नॉट गेट कंसर्न अबाउट दी एक्सप्रेशन योर Okay, Parul Gupta is asking why teachers don't come on time. Even reasoning class got delayed by 15 minutes because Parul Gupta, for a teacher to do the entire technical setup is very 2021 thing. We never used to do this, we are still getting used to it. Also, for a teacher, the responsibility is to create some content. Also, for the teacher, the responsibility is to share the link with a lot of students on Telegram.

रहती हूँ आपने पढ़ाया या नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग आराधना आयुषी रामू सेन अतुल वी आर मिश्रा मिश्रा अंकिता काजल यादव श्रेया सिंह भवानी भा, देव वर्मा दैट्स वेरी नाइस एंड नमता परवीन एक्चुअली संतोष सर मेंस का बैच पढ़ा रहे हैं ऑन द सेम चैनल ऑफ कॉर्स एट अराउंड फोर पी एम आई थिंक शाम को चार बजे आप देख सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक क्या है लेकिन टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि प्लीज़ जल्दी से चल करके सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे लिंक को जल्दी से कर देंगे शेयर एंड अब हमसे पहली बार पढ़ने वाले हैं बहुत खुशी हुई जी बहुत खुशी हुई जान के चलिए विल ट्राई टू मेक दिस अ यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू यहाँ पर गाइज़ हम देखेंगे आपकी मोटिवेशनल कोट ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल हो सकती है कि अगर इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना सीख लीजिए या रहना चाहिए सो इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक लाइक ह्यूमन्स देन इट्स बेटर टू कीप क्वाइट लाइक एनिमल्स दी द कोट इज वेरी सिंपल एंड इट कुड बी अ वेरी वेरी लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अगर ढंग से बात करनी नहीं है इंसान को जैसे करना चाहिए जो आइडियल डेफिनेशन ऑफ एक इंसान होता है तो नहीं आता तो जानवर की तरह चुप रहेंगे बहरहाल द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव है इज आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है वो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर गाइज लाइव हो चुका है इस बैच को परचेज करने के लिए जल्द से जल्द विजिट करें अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम कोड अप्लाई करें वाई वन सिक्स नाइन का और पच्चीस जनवरी से मेरे साथ पेड बैच में कनेक्ट करें और कल शाम शाम नहीं दोपहर डेढ़ बजे से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेज ओनली ऑन अडर ट्वेंटी फोर सेवन आई बी एस सी आई ग्रेड टू का भी आपका पेड बैच चल रहा है विजिट करिए अडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम कोड लगाइए वाई वन सिक्स नाइन एंड आपको मिल सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल राइट मूविंग ऑन एक बहुत छोटा सा सवाल इन सारी चीज़ों के बाद कि जैसे आज ये मेरी पहली क्लास है फाउंडेशन में ठीक है तो एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए देखिए ज़्यादातर लोग इसका जवाब देते हैं ग्रामर समझो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ग्रामर इज़ नेसेसरी विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट जो एक लैंग्वेज होती है वो कहाँ से शुरू होती है यार आपकी लैंग्वेज एक साउंड से शुरू हुई थी जो कि इवॉल्व करते करते शब्द बन गए लोगों ने उन्हें परसीव कर लिया और उन्हीं भाषाओं में एक दूसरे से बात करने लग गए ग्रामर को जो लोग कहते हैं कि रूल्स होते हैं पहले रूल्स आए फिर भाषा बनी ये तो इम्पॉसिबल है कोई बैठ के पहले रूल्स थोड़ी बना रहा था तो अगर आप कहते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल गलत है हाँ एडवांस स्टेज पे किसी भाषा में बहुत प्रोफेशनल होने के लिए आपको बिल्कुल ग्रामर की जरूरत हो सकती है ठीक है बहुत एडवांस स्टेज स्टेज पर, but basics में नहीं होती है लेकिन हम जिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं उसमें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए आइए देखते हैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्लास गाइज यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है एंड वाई डू वी केयर अबाउट सेंटेंस समय सेंटेंस से क्या लेना देना है इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की हम कर रहे हैं बात इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन या हायरकी ऑफ द लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं बेटा वो क्या होता है सबसे छोटी जो आपकी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं एल्फाबेट जो सबसे छोटा और सबसे सिंपल होता है दैट्स एन एल्फाबेट मूविंग ऑन थोड़ा सा बड़ा करके हमें क्या मिलता है वर्ड मिलता है उसके बाद हमें क्या मिलता है फ्रेज आता है फिर क्लॉज आता है फिर सेंटेंस आता है राइट right? तो यही वो चीजें हैं जिन्हें आज हम समझेंगे और बेसिकली लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है उससे हम अपने सेशंस की शुरुआत करेंगे और राइट राइट प्रशांत सौरभ वेरी गुड जॉब एंड विद मी बढ़िया सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स हैं आपकी लैंग्वेज के जिन्हें हमें समझना है आपकी जो आपका एक सेंटेंस होता है आप कैसे बात करते हैं हाउ डू यू स्पीक टू ईच अदर वाया सेंटेंसेस हम वाक्यों में एक दूसरे से बात करते हैं बेटा एंड आपका सेंटेंस किससे बनता है अलग अलग छोटे छोटे शब्दों से बनता है वो शब्द कौन से हैं कैसे होते हैं क्या होते हैं क्या रोल होता है उनका ये सारे हमारे यहाँ पर सवाल होते हैं आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो कैसे दिखते हैं वो ऐसे देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हो जाता है आपका सिंपल से सेंटेंस का फॉर्म्यूला सिंपल सेंटेंस ऐसा दिखता है इंटेरोगेटिव और बाकी टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव ये सारे अलग हो सकते हैं थोड़े से लेकिन सिंपल सेंटेंस ऐसा दिखता है ठीक है अब यहां पर हम शुरुआत करेंगे एकदम समझ लो छठवीं कक्षा ऑनवर्ड्स वाली ग्रामर से ठीक है समय बहुत है अब आप लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं <laughs> जी हाँ बिल्कुल जी 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 एकदम देव देव। वेलकम टू द सेशन बेटा सब लोग को बस ये याद रखना है कि सेशंस नहीं थेरेपी समझिए इंग्लिश बस सुनते चलिए सीखते चलिए लेट अस ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स टुगेदर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेर से पढ़ेंगे तो ही आपको आएगा बट अगर आप सुनेंगे तो आपका फायदा होगा इधर उधर की बातें नहीं ठीक है स्पैम नहीं करेंगे प्रभुदयाल गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में एक चीज होती है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है किस चीज को हम वॉट डू वी कॉल सब्जेक्ट वॉट डू वी रेफर टू एज सब्जेक्ट किस चीज का नाम सब्जेक्ट होता है इन अ सेंटेंस वॉट एवर वर्क्स एज योर टॉपिक एक वाक्य में जो भी चीज आपके टॉपिक की तरह काम करती है या फिर आपके परफॉर्मर की तरह काम करती है उससे ही आप सब्जेक्ट कहते हैं ठीक है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है लेटर्स से यहां पर हमारे पास है दीपांकर दीपांकर अ लॉ ठीक है दीपांकर टॉक्स अलॉट अब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है हु इज बींग टॉक्ड अबाउट हमारे सेंटेंस का uh, सब टॉपिक uh, कौन है ये वेरी गुड समी वेरी गुड जॉब येस महादेव स्टेटस व्हाट्सएप वीडियो वेरी गुड एंड ओके ऑल द न्यू स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम ठीक है फर्स्ट टाइम जो भी क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छा इधर बताइए इस सेंटेंस में टॉक्स दलाउट अलॉट हु इज द सब्जेक्ट एब्सल्यूटली जो भी जिसके विषय में वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके विषय में बात कर रहे हैं या फिर जो कोई काम कर रहा है हु एवर इज परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन और वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कैन बी कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस ठीक है तो जब तक आप लोग सेंटेंस नहीं समझ जाएंगे तब तक हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लास चलाएंगे यहां पर गाइज बहुत छोटी सी बात थी आप समझ चुके हैं जल्दी से देखेंगे अ पर्सन एनिमल प्लेस थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन डिटर्मिन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और वॉट अगर आपको कभी भी दिखे कि कोई इंसान है कोई जानवर है कोई जगह है वो कोई काम कर रहा है या उसके बारे में बात हो रही है दैट इज योर सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कैसे पता करोगे हु या फिर वॉट पूछ करके दो सेंटेंसेज हैं आई स्पगेटी ही रीड्स मेनी बुक्स यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है इन दोनों सेंटेंसेस के मुझे सब्जेक्ट बता दीजिए प्लीज everyone focus फोकस ऑन द क्लास और कल से शाम जल्दी आठ बजे पहुंचा करें सब लोग टाइम पर ठीक है करता एब्सल्यूटली शिवम वर्मा करता डूअर इज द करता हम्म वेरी गुड चंदन ठाकुर ग्लैड टू नो दैट जी जी बिल्कुल स्टार्टिंग है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम बात कर रहे हैं यहां पर आई और ही को आप लोगों ने तो कैसे पता आई लाइक स्पेगेटी इसका मतलब क्या हुआ मैं स्पेगेटी को पसंद करता हूँ या मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ आई लाइक स्पेगेटी अब करता कौन है हु इज द डूअर हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन

और ये किसको पसंद कर रहे हैं क्या चीज को पसंद कर रहे हैं उसका आंसर है स्पगेटी जो कि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिलहाल हमें सब्जेक्ट समझना था सो ईदर द परफॉर्मर और द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट वेरी गुड ही रीड्स मैनी बुक्स वह बहुत किताबें पढ़ता है अब ये कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पर इनके विषय में बात हो रही है उनकी कोई क्वालिटी बताई जा रही है वी आर गेटिंग टू नो वन ऑफ हिस क्वालिटी उनके किसी गुण की बात हो रही है ही रीड्स मैनी बुक्स तो ये क्या है ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है सब्जेक्ट अंडरस्टूड है नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हमारे पास वर्ब है वर्ब के बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होती हैं. वर्ब का अपना बेसिक सेशन भी आएगा बट अभी के लिए जो हमें वर्ब की बात करनी है वर्ब इन हिंदी इज कॉल्ड क्रिया हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं यानी कि एक्शन ये जो गंदी गंदी बाइक्स खरीद के लोग सड़क पर नॉइज पोल्यूशन करते हैं ना किया करें बहरहाल स्पगैरी आप लोगों ने वो नहीं खाया आ, ये जो नूडल्स टाइप के ऐसे लंबे लंबे से थ्रेड्स होते हैं नूडल्स जैसे थोड़े लंबे वाले हम्म, वो होता है स्पेगेटी, ठीक है यस एवरीबडी स्पेगेटी का मतलब बता दिया बेटा आपको यहां पर डोंट वरी अब आइए वर्ब की बात करें कोई भी आपका एक्शन एनी थिंग दैट यू डू जैसे कि मैं क्या करती हूं मैं बहुत बातें करती हूं यानी कि आई टॉक यानी कि आप क्या करते हैं आप बहुत पढ़ते हैं तो यू स्टडी अलॉट एंड लेटस से दुनिया क्या करती है जज दुनिया में ये मत सोचिएगा कि आप नहीं आते हैं या मैं नहीं आती तो हम सारे दुनिया का हिस्सा हैं और हम सब मिलकर जज करते हैं अच्छा और क्या क्या एक्शंस हो जाते हैं रनिंग ईटिंग वॉकिंग टॉकिंग स्लीपिंग ओवर एक्टिंग विच आर लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई डू एंड आई एक्नॉलेज इट पर यहाँ पर जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं ये आपके एक्शंस हैं सिंपल एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा क्या बात करें प्रभु दयाल ये बाइक इतनी महंगी आती है नो आई डोंट वॉन्ट इतना एक्सपेंसिव बाइक थैंक यू खुशी ग्ला दैट यू लाइक द क्लास यहाँ पर हमने बताया आपको कि काम क्या होता है जो हम करते हैं एनी थिंग विच वी डू इज एन एक्शन ठीक है एक्शन के साथ बेटा ये आपका एक और टाइप का वर्ब इसी में आता है ठीक है अगर हम बात कर लें अपने auxiliary verbs की, तो auxiliary verb का मतलब हिंदी में क्या होता है सहायक क्रिया वी मीन बाय सहायक कोई भी चीज जो असिस्ट करती है मदद करती है हेल्प करती है एटसेट्रा यहाँ पर वी से ऑगजिलरी वर्ब से मैंने बोला कि शिवानी ज कुकिंग ठीक है शिवानी इज कुकिंग अब यहां पर शिवानी कुकिंग अगर मैं सिर्फ इतना लिख दू शिवानी कुकिंग तो यह सेंटेंस गलत है आप सबको मालूम है दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट वाई इज इट इनकरेक्ट क्योंकि आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता आप बता नहीं सकते कि शिवानी जो है अभी खाना बना रही हैं या बना रही थी या भविष्य में बनाएंगी शिवानी वॉज विल बी डोंट नो अबाउट इट राइट वर्ब क्या करता है अतुल गौरव ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग ठीक है यहां पर अब अगर हम आगे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि लगा करके आपने मेन वर्ब की मदद की है ताकि वो अपना समय कन्वे कर सके यू जस्ट हेल्प दिस वर्ड हेल्प योर मेन वर्ब सो दैट इट कैन कन्वे इट्स मीनिंग प्रॉपरली राइट तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप का होता है टू बी होता है टू डू होता है टू हैव होता है ठीक है टू बी का मतलब क्या होता है इन हिंदी इट इज होना और होना को अगर आप अलग अलग टेंस के हिसाब से बदलेंगे तो इंग्लिश में भी उसका अर्थ बदलेगा जैसे होना को अगर आप प्रेजेंट टेंस में बोलें यानी है सिंपल पास्ट टेंस में बोलें तो क्या हो जाएगा था और अगर आप भविष्य के लिए बोलें तो होगा तो ये तो आपने हिंदी में कर दिया राइट बट इफ यूर गोइंग टू राइट द सेम थिंग इन इंग्लिश

ठीक है एंड नहीं होता है पहाड़ी वाले बाबा स्वागत है आपका टू हैव के कितने फॉर्म्स होते हैं हैड ठीक है वेरी गुड वेरी गुड यस लवली बिल्कुल ठीक जवाब इतना हो गया आपका ऑक्सिलरी स्क्रीन शॉट लो आगे बढ़ो अब यहां पर बात कर लेते हैं. एक होता है मॉडल वर्ब मॉडल क्या यार देखो हम एज ह्यूमंस हम लोग के बड़े मूड्स होते हैं कभी मन करता है पढ़ाई जरूर करनी चाहिए कभी कभी लगता है पढ़ाई कर सकते हैं कभी कभी लगता है कि कर लेंगे पढ़ाई मे बी पढ़ाई कर लेंगे तो बड़े वी आर ऑल वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हम अपने बदलते रहते हैं मूड्स जिनको बोलते हैं हम लोग उन्हीं से आती हैं आपकी मॉडल वर्ब्स ठीक है मॉडल वर्ब्स कहाँ से आती हैं मूड मूड से आती हैं ठीक क्या क्या मूड हो जाता है जैसे कि पॉसिबिलिटी वैसे ही नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन जिसको आप बोलते हैं ठीक है और एबिलिटी आप लिख लीजिए आप एबिलिटी लिखिए हम स्पेलिंग ठीक कर दें एबिलिटी हो जाता है पॉसिबिलिटी नेसेसिटी एबिलिटी एंड सारी मोरलेस इसमें हो जाती हैं फिट तो जब आप कहते हैं आई कैन वो मैंने हटा दिया तो बैक करके ले लेना भाई स्क्रीनशॉट ठीक है आई कैन स्टडी मैं पढ़ सकती हूँ ठीक है अगर आप कहते हैं आई माइट स्टडी पढ़ लूंगी हो सकता है मन हुआ तो आ, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं आई मस्ट स्टडी मुझे जरूर पढ़ना चाहिए हैं? ऐसे भी कह सकते हैं और अगर आप इससे भी ज्यादा मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम पढ़ेंगे ही तय है एक घंटे बाद पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आप क्या कह सकते हैं आई विल स्टडी यहां पर विल हो या मस्ट हो या माइट हो या कैन हो सिमिलरली कुड हो वुड हो मे हो शुड uh, हो शैल हो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं बेटा मॉडल वर्ब्स का काम करते हैं ठीक है सो यहां पर इतनी चीज हमें आई है समझ में एंड आई नीड वोटो वॉटो हम्म ठीक है जी हाँ ये क्लास डेली होती है आज मैं पहली बार कर रही हूं बट होती डेली है अब से डेली होगी ठीक है बहुत सारी बातें स्पोकन इंग्लिश कब ठीक है चलो वोट एवर लेट्स अच्छा आप आप ब्लॉक नहीं होंगे आप पढ़ेंगे चलिए माय गुड नेम ओके चलो काफ़ी बातें इधर ये दो से सुनो ना ऐसा है जो कमेंट सेक्शन में बहुत अयाशी करने के लिए बैठे हुए सब सब घर जाओ गो एंड डोंट वेस्ट योर डेटा ऑन द क्लास आई विल एक्चुअली स्टार्ट ब्लॉकिंग पीपल नाउ Uh, एक सिंपल सी चीज़ है रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग बिगिनर लेवल से ढूंढते हैं ना क्लासेस तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकती हैं समय का अच्छा इस्तेमाल करें ठीक है सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अदर्स एंड डोंट मतलब शेम अदर्स अगर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी तो उसको कॉमेंट्स ना करें बुरे ठीक है यहाँ पर हमने बात कर ली वर्ब के बारे में दोबारा देख लो वर्ब क्या होता है व्हाट द पर्सन एनिमल प्लेस थिंग कॉन्सेप्ट डज वर्ब बताता है एक्शन के विषय में ठीक है और वर्ब का आप कैसे पूछेंगे आप पूछ सकते हैं व्हाट वाज़ द एक्शन और व्हाट हैपेंड आप इन दो तरीकों से एक्शन का पता लगा सकते हैं शेख रिजवान जी मेरा नाम उदिशा मिश्रा है एग्जाम्पल देखो आई लाइक स्पगेटी ही रीड्स मैनी बुक्स इसमें आप अपना वर्ब मुझे बता दें जल्दी से बताइए भाई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टूवर्ड्स द एंड कराएंगे अभी बहुत समय है चलो चलो वॉट इज द वर्ब इन दीज टू सेंटेंसेस क्विकली ओके एक्सेल पॉइंट कम्स इन से स्पीक इन इंग्लिश ऑल राइट एक्सल पॉइंट आई वॉज ओनली वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शन नो बी इंस्ट्रक्टेड मी लाइक यू दैट्स वाई आई वॉज इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरीबडी वॉट आर व्हाट आर दर्ब्स रफत वेरी गुड प्रवेश ठीक है दो बताया है लाइक बताया है लाइक इज वर्ब बिलकुल वॉट अबाउट द सेकेंड सेंटेंस व्हाट अबाउट द सेकेंड सेंटेंस yes very good ठीक है यस एंड रीड्स इज ऑल्सो अ वर्ब जिन लोगों ने सिर्फ लाइक लाइक बताया है ध्यान दीजिए कि रीड्स इज ऑल्सो अ वर्ब वेरी गुड जॉब वर्ब आप समझ चुके हैं एक्शन होता है या फिर हेल्पिंग होता है मूविंग ऑन गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ट होता है बेचारा बहुत ही मतलब देखो सेंटेंस में क्या होता है ना कि अच्छा वर्ब की बात में एक तो बताया ही नहीं दैट विदाउट अ वर्ब यू कैन नेवर मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस बिना वर्ब के आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं ठीक है थीके? जी मोहित बनोत बनोत्रा हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है ठीक है As we were focusing here, यहां पर ध्यान देंगे कि बिना वर्ब के आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं बिना सब्जेक्ट के भी बना सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं बट विदाउट अ वर्ब यू कैन नेवर मेक अ सेंटेंस वी विल मूव ऑन एंड सी दी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है जिंदगी में बहुत ज्यादा हम्बल टाइप का है विद दी ऑब्जेक्ट द केस इज कि आपका सेंटेंस योर सेंटेंस कैन बी मेड विद और विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन नॉट अ कंपल्सरी एलिमेंट तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं है तो भी इज गुड टू गो है तो भी इज गुड टू गो तो बेचारा ऑब्जेक्ट ठीक है दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो रिसीवर होता है जब देखो तब किसी ना किसी की सुन ही रहा होता है यहां पर एफ आई से आई लाइक डू आई लाइक आई लाइक राइस ठीक है आई लाइक राइस इन्होंने एक्शन किया है इनके विषय में बात हो रही है दिस इज योर सब्जेक्ट ये क्या काम करती हैं लाइक like करती हैं पसंद करती हैं तो ये हो गया आपका वर्ब और इनकी लाइकनेस को रिसीव कौन कर रहा है इनकी लाइकनेस को रिसीव करता है राइस सो ऑब्जेक्ट की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन बहुत ही छोटी सी चीज है यहां पर जो भी कोई रिसीवर होता है एक्शन का आई लाइक राइस में लाइकनेस को रिसीव किया है राइस ने ठीक है सो बस इतनी सी डेफिनेशन होती है बट बियॉन्ड दिस ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है ठीक है यस एप्सल्यूटली नाउ लेट एस सी अ पर्सन एनिमल प्लेस थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन द ऑब्जेक्ट इन आस्किंग द सब्जेक्ट डिड वॉट और टू होम आप दो तरीके से ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं या तो आप पूछिए टू होम या फिर आप कह सकते हैं द सब्जेक्ट डिड वॉट ठीक अब यहां पर आपके सामने दो सेंटेंसेस आएंगे इसमें मुझे अपना ऑब्जेक्ट बता दीजिए बात वही है मैंने सेम एग्जांपल्स रखे हैं इजी so कौन है परेशान करने वाला मुझे कोई क्यों नहीं दिख रहा हम्म ठीक है हम्म हम्म चलो एवरीबडी लेट्स फोकस हियर एब्सोल्युटली तो यहां पर आपके ऑब्जेक्ट को किसने रिसीव किया है सॉरी एक्शन को किसने रिसीव किया है एक्शन वाज़ रिसीव्ड बाय द दिस एंड द एक्शन इन द सेकंड सेंटेंस वाज़ रिसीव्ड बाय बुक्स तो आपके एक्शन के रिसीवर को आप ऑब्जेक्ट कहते हैं लेकिन अब यहां पर किस्सा खत्म नहीं होगा जिन लोगों को लगता है वो बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं आइए पूछते हैं आपसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है पूछने से पहले आपको सिखाते हैं अस से हमारे पास किसका नाम दिख रहा है हमें यहां पर ये यह नाम मुझे जो दिखा था सबसे पहले दैट्स प्रशांत अच्छा और राइट प्रशांत प्लेज गिटार ठीक है इसमें जो आपका वर्ब है उसको डायरेक्टली किसके ऊपर किया जा रहा है गिटार के ऊपर सो हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन प्रशांत इज द परफॉर्मर सो दे प्रशांत इज दब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्लेज यानी कि वो प्ले करते हैं गिटार को ठीक है तो वर्ब हो गया आपका प्ले एंड गिटार जो है उस प्ले को रिसीव कर रहा है रिसिपियंट ऑफ द एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन इज योर ऑब्जेक्ट तो जो भी शब्द वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करते हैं आर डरेक्ट ऑब्जेक्ट उनको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ठीक है वेरी गुड एवरीबडी यस नाउल वेरी गुड ठीक है यहां पर आपने एग्जाम्पल सुन लिया डेफिनेशन uh, सुन लिया है अब आपके सामने आएंगे दो सेंटेंसेस आपने मुझे बताना होगा कि इन दोनों में डेविड रिपेयर डेविड ने क्या चीज को रिपेयर किया हिजकार तो ये चीज़ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगी वेरी सिंपल ही इन्वाइटेड मेरी टू द पार्टी तो इन्होंने इन्वाइट किया किस को मेरी को तो यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो जो भी शब्द एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करेंगे उन्हें आप बोलते हैं डायरेक्ट अ ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट इज इन डेक्ट ऑब्जेक्ट इन डिरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट रिसीव दब्जेक्ट नाउ यू डोंट अंडरस्टेंड लेटस से आई बेग्ड माई मॉम अ केक यहां पर मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि बेकिंग आपका एक्शन है और उसको रिसीव कौन कर रहा है मॉम या केक वॉट और हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन बेक क्विकली टेल मी गाइज मॉम मॉम भी बोल रहे हो यार तुम लोग सीरियसली गाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन मतलब इसमें ग्रामर नहीं आता तो कॉमन सेंस लगा देते आप कह रहे हो आई बेक्ड माई मॉम अपनी मॉम को बेक कर देने का कोई मतलब होता है क्या व्हाट एग्जैक्टली आई यू सेइंग आई बेक्ड माई मॉम अ केक सेंटेंस का मतलब है कि मैंने अपनी माता जी के लिए एक केक बेक किया प्लीज बी केयरफुल वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चन ठीक है तो यहां पर आप देखें इसके डायरेक्टली बगल में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है इसका वो थोड़ा दूर लिखा है बट कॉमन सेंस विल ऑलवेज टेल यू कि इस एक्शन का रिसीवर केक है सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ

क्वेस्ट uh, ऑब्जेक्ट जो है ढूंढ सकते हैं ठीक है आगे देखेंगे दे सेंट हिम अ पोस्टकार्ड ही बॉट हिज सन अ बाइक इसका मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए व्हाट इज द अ व्हाट इज द यस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द सेंटेंसेस पार्टी वाले बाबा यार चाय वाई की बातें मत किया करो मेरा 247 मन होता है चाय कॉफी का वेरी गुड वेरी गुड येस lot of इफ यू me करेक्ट answers also which इज excellent अच्छा अलका अलका वेरी गुड बेटा अलका गुड जॉब ठीक है बिगिनर के लिए ही क्लास चल रही है बिगिनर को यहाँ पर आके अनाउंसमेंट नहीं करना है क्लास अटेंड करनी है मैंने आपसे इनडायरेक्ट पूछा है मैंने आपसे इनडायरेक्ट आप देखिए दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग पोस्ट कार्ड पूछा है डायरेक्ट नहीं पूछा है बेटा डायरेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन किया गया है दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड तो किसको सेंट किया है पोस्टकार्ड को किया है पोस्ट कार्ड को कौन रिसीव करेगा हिम रिसीव करेंगे सो द आइडिया इज कि इस सेंटेंस के लिए पोस्ट कार्ड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई होप आर क्लियर। ही बॉट हिज सन अ बाइक अब यहां पर उन्होंने अपने बेटे को थोड़ी खरीदा है उन्होंने बाइक खरीदी अपने बेटे के लिए तो यहां पर आपका जो बाइक है दैट वॉज बॉट एक्शन ऑफ बाइंग वॉज डन ऑन दैट बाइक सो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो आपके सन इनके जो सन है वो जो है वो क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ठीक है जी हाँ बिल्कुल ठीक जवाब काफी सारे लोगों ने यस वेरी गुड देव एंड राजीव एंड शिफाली जिया दिव्या मनीषा काफी अच्छे जवाब तो अभी तक आपने क्या क्या समझा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं यहां पर बात करेंगे हम आपके आ, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ठीक है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब छोटी सी चीज है बिल्कुल याद रखिएगा कि जब आपके पास ये आ, कोई भी ऐसा Uh, हमने आपको बताया ना सेंटेंस कैसे बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से अ सेंटेंस इज़ मेड नॉट ऑल सेंटेंसेस बट सिंपल सेंटेंस इज मेड विद थ्री थिंग्स हम्म करेक्ट तो यहां पर आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेज की इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है और इसकी खास बात क्या होती है वॉट इज अ फ्रेज फ्रेज होता क्या है बच्चे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कूल इनफ नाउ वॉट्स द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो द नेक्स्ट थिंग अबाउट अ फ्रेज इज इसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं आएंगे अ फ्रेज विल नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब टूगेदर ठीक है चलिए यहां पर ये कभी भी नहीं आएगा सब्जेक्ट और वर्ब टुगेदर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा उद्दा टीचर्स ठीक है इन इस जो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज है या नहीं जस्ट टेल मी हाय अंजलि यू लेट टू द क्लास मोहित गर्ग जी बिल्कुल होगी रेगुलर क्लास डोंट स्पैम द कॉमन सेक्शन एवरीबडी एल्स टेल मी क्या ये एक फ्रेज है या फिर एक क्लॉज है ऑल राइट right. ठीक है डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली नॉट वेरी गुड जॉब मोस्ट ऑफ यू है राइट आंसर यहां पर ज्यादातर लोगों ने कहा है कि नो दिस इज नॉट अ फ्रेज क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक नाउन और एक वर्ब यहाँ साथ में है एंड वी डोंट वॉन्ट दैट हमें नाउन और वर्ब साथ में नहीं चाहिए होता है फ्रेज में फ्रेज के एग्जाम्पल देखने के लिए अगर किसी ने बोला ऑन द वॉल इन द वॉटर ओवर दिन आइडिया क्या होता है कि या तो इसमें सिर्फ नाउन होता है या तो इसमें सिर्फ वर्ब होता है ईदर दर इज ओनली अ नाउन और देर इज ओनली अ वर्ब बट यू विल नेवर सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ नाउन इन अ फ्रेज कभी भी वर्ब और नाउन साथ में नहीं मिलेंगे आपको फ्रेज में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज अगली चीज जो आपको समझनी है गाइज प्लीज रिमेंबर दैट्स अ क्लॉज क्लॉज क्या होता है बेटा अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब साथ में देखने को मिलते हैं जैसे आपने देखा उदिशा टीचेस या फिर आपने बोला विराट प्लेड वेल तो विराट और प्लेड दोनों आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो गया सो so, बहुत ही सिंपल सी हम्म बहुत ही सिंपल सी चीज है दीज अर फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं देर ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट वॉट इज द पॉइंट दैट फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नेवर कम टूगेदर वेर एज अ क्लॉज कैन नॉट बी फॉर्म्ड इफ यू डोंट राइट देम टूगेदर ठीक है क्लॉज बनेगा ही नहीं अगर आप क्लॉज और वर्ब को साथ में सॉरी नाउन और वर्ब को साथ में नहीं रखेंगे तो ठीक है चलिए जी स नाउ विल टेक अ लुक एट समी एग्जाम्पलर द बॉय इज प्लेंग सारा स्माइल्ड नाउ यू सी देर इज अउन हियर देर इज अ वर्ब ऑल्सो हियर सारा स्माइल्ड देर इज अ नेम और नाउन एंड देर इज अ वर्ब सो जहां भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब साथ में देखेंगे वो आपका क्लॉज कहलाएगा क्लॉज के बारे में एक और चीज जानिएगा या समझिएगा दैट इट इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है इन डिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम्म हम्म यस बिच बैच शुरू हो करके कितना दिन हुआ बैच <laughs> लिखा हुआ है यहाँ पर और वो समटाइम्स यू रियली गेट अ वेरी बैड दैट्स फम्बुलट वॉर विद मी बिट टू दैट दैट इज अ क्रोमा इशू बेटा वो क्रोमा की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इस बार आई बी पी एस एच ओ में टू मार्क्स से रह गई जूही कोई बात नहीं बच्चे कोई बात नहीं डेफिनेटली मैन फॉर अनादर एग्जामिनेशन या फिर द नेक्स्ट ईयर इट डजेंट मैटर एक दो नंबर से जब आप रुक जाओ ना तो कई बार फिर वो किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहिए आपकी तैयारी में कमी नहीं थी एक दो नंबर का खेल जो है आपकी गलती भी नहीं होती ठीक है बहरहाल यू डोंट हैव टू लाफ ठीक है बैच 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 बोल रहा था यार कोई batch, batch, पता नहीं क्या और मैंने उसी में गड़बड़ हो गया एनी वे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात करनी थी यहां पर हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जो आपका इंडिपेंडेंट जिसे आप बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत इनडिपेंडेंट यानी कि केपेबल केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मीनिंग ऑन इट्स ओन ठीक है यानी वो अपना अर्थ खुद कन्वे कर लेगा ठीक है ओके राइट चलो यहां पर अब देखो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा फिर डिपेंडेंट क्या होगा दैट विच कैन नॉट दैट विच कैन नॉट कन्वे इट्स मीनिंग ऑन इट्स ओन आर यू गेटिंग माई पॉइंट वो जो अपना अर्थ खुद कन्वे नहीं कर सकता दैट विच कैन नॉट कन्वे इट्स मीनिंग ऑन इट्स ओन एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को या आप एग्जाम्पल देंगे दैट्स वेरी गुड इफ इन केस यू डे आई एम प्राउड ऑफ यू हम्म अब यहां पर देखिए अगर आपको बोला सारा स्माइल्ड तो ये क्या है अपना अर्थ अपने आप कन्वे कर रहा है सारा मुस्कुरा ये अपना मीनिंग कन्वे कर ले रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर वेन आकाश विजिटेड फुल स्टॉप क्या ये अपना अर्थ खुद पूरा कर पा रहे हैं इज दिस क्लॉज एबल टू कन्वे इट्स मीनिंग प्रॉपरली जी जो ही रेगुलर क्लासेस चलेंगी जीरो टू हीरो में डोंट वरी शाम को आठ बजे मिला करेंगे रेगुलरली ठीक है हम्म ठीक है गुड इनफ चलिए यहां पर हमने देखी क्लॉज के बारे में चीजें अब हमें बात करनी है कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर सो ब्रॉडर कैटेगरी में ब्रॉडर कैटेगराइजेशन में आपके पास होता है सिंपल सेंटेंस अच्छा ये जो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बताने वाली हूँ यहाँ पर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स के बेसिस पर डिवीज़न हुआ है टोन के बेसिस पर नहीं टोन के बेसिस में ही बेसिस पर होते हैं ना आपके पास डिक्लेटिव फिर इंटेरोगेटिव फिर इंपेरेटिव इस तरीके से वो टोन के बेसिस पर होता है बट ये जो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्पलेक्स सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये मिलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी

प्लस ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म्यूला से जो ऐसे सेंटेंस बनता है जैसे यहां पर आप देखें शी रोट एंड आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये ऑप्शनल होता है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है इफ यू फील लाइक पुटिंग इट यू पुट इट यू डोंट फील लाइक पुटिंग इट इन योर सेंटेंस यू डोंट पुट इट ओके नाउ शी रोट सब्जेक्ट प्लस वर्ब शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू अगेन शी सब्जेक्ट कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू ऑब्जेक्ट He organized his sources by theme. So, what did he do? He was the performer. काम क्या किया ऑर्गेनाइज किया क्या किया His sources by theme. Object. ठीक है ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर आपको बता रही हैं. सिंपल सेंटेंस कैसा दिखता है सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इफ देर इज need. ठीक है नेक्स्ट देखो कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं इट कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजे होते हैं तब जाकर के आप क्या बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो दो इंडिपेंडेंट जल्दी से देखो दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कंबाइंड कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और विदी कोलन वो सारी चीजें थोड़ी डीपर नॉलेज है लेकिन अभी आप सुनिएगा यहां पर अगर मैंने आपको बोला दे grammar rules for 5 hours, they studied grammar rules for 5 hours, but they realized there was still much to learn okay <laughs> yes GG ji priyanshu it's it's not about money youtube classes are absolutely free चलिए इधर ध्यान दीजिए ओके यस फर्स्ट क्लास टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ जीरो टू हीरो वरी बालू सिंह जिस दिन आप ध्यान देना शुरू कर देंगे उस दिन आप बन जाएंगे हीरो चलिए चलिए यहां पर आपने देखा आपके पास एक है क्लॉज दे स्टडी ग्रामर रूल्स फॉर फाइव आवर्स उन्होंने पांच घंटे तक ग्रामर रूल्स पढ़े बट दे रियलाइज देर स्टिल मस्ट टू लर्न लेकिन उन्हें लगा कि अभी और भी बहुत पढ़ना है दोनों ही क्लॉजेज आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं और आप देख सकते हैं कि आपने इसको एक कॉमा से कनेक्ट किया है राइट right? अब मैं आपको दिखाऊंगी दो और एग्जाम्पल्स शी कम्पलीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट वंस अगेन आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके जो सेंटेंस बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। विच इज मेड ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपाउंड सेंटेंस द नेक्स्ट सेंटेंस बाई थीम अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट यहां पर ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाई थीम फर्स्ट क्लॉज

कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर सेमी कोलन के साथ भी देखो कि सेमी कोलन लगाकर आपने यहाँ आप पर एक दूसरा कनेक्टर डाला फिर आपने अपना सेकेंड क्लॉज लगा दिया है ये सारी चीजें इतनी तगड़ी ग्रामर नहीं पूछी जाती बट हाँ कंपाउंड सेंटेंस आना पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लॉज क्या होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बना करके क्या बनता है एटसेट्रा या मिला करके क्या बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हाँ मिस पैशनेट मिस्टर पैशनेट प्रियंका उदय देर इज अ बॉय बेहरा करके ऑल ऑफ़ यू आर वेरी बिजी चुट चैटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई थिंक आप लोग को आदत खत्म हो गई एक दो दिन क्लास नहीं लिए मैंने तो uh, मुझे ये पसंद नहीं है इस तरीके का बिहेवियर क्लास में पंकज मीणा आस्क मी द सेम क्वेश्चन एवरी डे एस बी आई पी ओ में सेवेंटी टू अटैम्प्ट किया है हो जाएगा देन वन डे सम्बटी वॉज आस्किंग फिफ्टी सिक्स अटैम्प्ट किया है फलाना कैटेगरी से हो जाएगा अखिलेश बेहरा मिल गए हैं यू क्लियर एस एस सी एग्ज़ाम दैट्स वेरी गुड ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस ओके वेरी गुड बहुत कुछ करना है वो कैब के लिए भी इंग्लिश के लिए भी सब लोग ध्यान दीजिए क्लास पर ठीक है कॉम्प्लेक्स uh, सेंटेंस कैसे बनता है बेटा इट कंटेन्स लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास या तो एक डिपेंडेंट नहीं या तो नहीं यू वेन एवर इन अ सेंटेंस यू हैव डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है जब आपके पास दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं यू हैव अ कंपाउंड सेंटेंस वेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है डिपेंडेंट क्लॉज कैन रेफर टू द सब्जेक्ट द सीक्वेंस और द कैजुअल एलिमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सी चीज है यहाँ पर देखो ऑल दो शी कम्प्लीटेड ह लिटरेचर रिव्यू हालांकि उनका लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो गया था शी so स्टिल तो आपको बताया था ठीक है और दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मेनी आर्स एज दे सो इंटरेस्टिंग अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मेनी आर्स ये आपका एक क्लॉज है एज देवर सो इंटरेस्टिंग सीक्वेंस बताने के लिए भी आप यूज करते हैं अपने कॉम्पलेक्स सेंटेंसेज में डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट के कॉम्बिनेशन को अगेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं जस्ट फॉर योर जनरल आइडिया इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं शुरुआत आपको करनी थी सेंटेंस क्या होता है सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेज uh, और सेंटेंस क्या होता है इतनी चीजें आपको सीखनी थी जो कि मुझे लगता है मैंने बाकायदा एक्सप्लेन कर दी हुई है एंड एटलीस्ट कहा लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में एटलीस्ट यानी कि एक मिनिमम अच्छा ये वाला ठीक है मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ही चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकता है बट एक रखो तभी कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है यस प्रियंका नाउ सेंटेंस टाइप्स कैन आल्सो बी कंबाइंड तो जैसे आपने देखा टू इंडिपेंडेंट फॉर्मूला रिख लो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस ठीक है वन डिपेंडेंट प्लस वन इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स और वन क्लॉज वो भी इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस ठीक और यहां पर लिखा है इट कंटेन्स जब आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज यानी आपके पास दो इंडिपेंडेंट मैंडेटरी होते हैं और मैंडेटरीली एटलीस्ट एक तो डिपेंडेंट भी रखना पड़ता है फॉर्मूला लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी ठीक लगे वो कर लो हां जी बिल्कुल करवाएंगे भाई आपको एरर डिटेक्शन चलिए यहां पर देखते हैं आपका अगला दो सेंट एक सेंटेंस शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू

ये भी हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इसका क्या फॉर्मूला बना बेटा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अब अब होगा छोटा सा आप लोगों का टेस्ट टेस्ट इन द सेंस ओरल टेस्ट समझिएगा आप यहाँ पर बहुत सारे आपके रूल्स वगैरह भी लिख करके ले आए थे बट अब मुझे लग रहा है कि आप लोग चैट सेक्शन में बात बात बहुत करते हो तो जो इतनी मेहनत करने के बाद ये रिस्पॉन्स रहेगा भाई तो हम बहुत जल्द ही जल्दी जल्दी आधे घंटे में पढ़ा के हम भी घर पे चल किया करेंगे विंटर्स वगैरह है तो नो दस नो पॉइंट क्यों सही कह है रहे हैं आईबी के लिए ये बैच है क्या नहीं आईबी का बैच सुबह दस बजे चलता है सो टेन ए एम आपको मेरे साथ कनेक्ट करना होता है आई बी ए सी आई ओ के लिए वहाँ भी बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं 8 पी एम जो है आपको मेरे साथ कनेक्ट करना होता है फाउंडेशन बैच जिसको हम बोलते हैं हमारे यूट्यूब का क्योंकि अब आने वाले हैं दो हज़ार इक्कीस की वैकेंसीज की बिल्कुल लाइन लग जाएगी तो आप लोग ये दोनों टाइम पर यूट्यूब पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एट पी एम एंड टेन ए एम ठीक है इसके अलावा गाइज दस अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग दट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थर्टी पी एम आपने मेरे साथ कनेक्ट करना है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए वेर एन यू कैन वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश बोली जाने वाली इंग्लिश के ऊपर आप काम कर सकते हैं मेरे साथ मजाक करें कोई कहीं नहीं जा रहा है हम रोज़ यहीं पढ़ाएंगे तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो का ऑप्शन मैं देती नहीं हूँ है ना पढ़ना तो सबको पढ़ेगा कोई कहीं नहीं जा रहा है ठीक है हाँ जी ए, ए, बेटा जूही यू विल बी फाइन वेरी सून यार ठीक है उस्मा थैंक यू बेटा अनिकेत शर्मा वाज नॉट हियर थ्रू आउट अभी मुझे दिखे हैं पहली बार आई थिंक उनका नाम वो भी हम्म ठीक है आईबी वाला आई थिंक छठवां सातवां क्लास था आज तो देख लेना जा करके एक आखिरी बार आप लोगों को बहुत uh, प्यारा रिमाइंडर देना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस जाकर के ये दोनों बैचेस चेकआउट करें वैसे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच चल रहा है एस बी आई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो स्टूडेंट्स उसका हिस्सा हैं आई एम sure श्योर आप उन लोगों से बात करके पूछ सकते हैं कि क्या उनकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव हो रही है या नहीं लेकिन ये तीनों बैचेज जो हैं इस वक्त सबसे अमेजिंग बैचेस अवेलेबल हैं, जहां पर बिल्कुल बेसिक से आप लोग को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ कनेक्ट करके अपनी बोले जाने वाले इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए उस चीज के लिए कोड आपको लगाना होगा वाई वन सिक्स नाइन का गाइज फ्लैट सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा बस विजिट करना होगा आपने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम ठीक है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर ऑल ऑफ अस जितने लोगों को भी अच्छी इंग्लिश बोलने का शौक़ है या उनको दे फैंसी टू स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश तो कल दोपहर डेढ़ बजे YouTube पर आप मुझे देख सकते हैं लाइव और ये आपका पेड बैच है जो कि अडर ट्वेंटी पर लॉन्च हो चुका है लाइव क्लासेस के सेक्शन में भी मिलेगा ठीक है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए बहुत खुशी हुई कल की क्लास में फिर सुबह दस बजे रात को आठ बजे दोपहर में डेढ़ बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके बाद शांतनु सर का क्लास है वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना ध्यान रखिएगा बाय गाई इज ऑल द बेस्ट गुड नाइट